future directions related to the terrorism there are normally uh, which are mainly considered the two perspectives about the future of terrorism and future uh, related on the uh, basis on the actions and the aims of terrorist activities one view that is mainly uh, recognized uh, in academia that is given by the optimistic views of black and he uh, has the perspective that the emerging innovations in technology and communication is narrowing the social distances among different cultures so the making uh, of diverse social attitudes uh, it is now uh, various ड्यू टू द मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ अब लिमिटेड नहीं है किसी एक जगह पा का सोशल बिहेवियर या सोशल पैटर्न कि वो वहीं पर फिक्स रहेगा तो ये अगर इसी तेज़ी से कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती रहीं तो फिर जो एंगर है जो हेटर्ड है ये किसी एक सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं रहेगा यानी लोगों के जो बिहेवियर हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैक लोगों के बिहेवियर अब स्पेसिफाइड नहीं होंगे एरियाज़ की बेस पर बल्कि उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये अब इसके अंदर ट्रेंड नए ट्रेंड्स जो हैं वो आ जाएंगे ऐसे ही जो पैसमिस्टिक व्यूज़ ऑफ एंडर्स एंड सेंडलर्स हैं इनका ये ख्याल है दैट देयर विल ऑलवेज बी वीकर पार्टीज इन द गवर्नमेंट्स due to presence of grievances which will compel them to carry on their terrorist activities so in such sense government will be unable to effectively coordinate their anti-terrorist policies according to them they have presented their perspective specifically in 2006 after experiencing the 9-11 incident and the war on terror द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड दे हैव देयर ओन परस्पेक्टिव और इनका ये ख्याल है कि दुनिया के अंदर आ, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि वीकर पार्टी की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाए यानी अगर विद स्पीडी कम्युनिकेशन लोगों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के अंदर कमज़ोर नहीं रहेंगे या सिर्फ ताकतवर रहेंगे या ताकतवर अपनी डोमिनेंस को फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे तो जब तक ये टसल दोनों के दरमियान वीक और पावरफुल के दरमियान रहेगी तो गवर्नमेंट्स के लिए ये मुश्किल हो जाएगा टू तो टैकल देयर एक्टिविटीज़ और इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती रहेंगी सो द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर रिसर्चिंग और स्टडिंग टेररिज्म मस्ट बी केप्ट ऑन लाइंस ऑफ कम्पेरेटिव अप्रोच क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में कहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और परमानेंटली हमें कंपैरिजन जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर डायमेंशनज ऑफ टेरिज्म एंड स्पेसिफिकली हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ द टेरिस्ट्स आर प्लानिंग हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि दुनिया में कम्युनिकेशन क्या है हमें ये नहीं देखना कि वीकर और पावरफुल के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है हमें टेररिस्ट के माइंड सेट्स को भी अंडरस्टैंड करना है उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज दे कैन ऑफ इन द फ्यूचर हमें उस सब को स्टडी करना है और उस सब को स्टडी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी दैट देयर मस्ट बी अ सेपरेट कैटेगराइजेशन एंड कंबेटिंग मैकनिज़म ऑफ दोज वो अटैक देयर ओन टेरिटरीज और फॉरन इंट्रस्ट लाइंग इन देर ओन टेरिट्री यानी हमें ये भी देखना है कि लोग आकर अपने ही लोगों पर अटैक कैसे कर सकते हैं क्या उनके बैक पे कोई फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं जो उनको कन्विंस करते हैं कि वो अटैक करें अपने इलाके पर अपने लोगों पर हमें उस माइंडसेट को भी समझना है और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो ये सब डेवलपमेंट्स जो हैं इनके पीछे और इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप लेना पड़ेंगे और फिर उसके साथ साथ ये है कि वो वो सब एक्टिविटीज़ जो लिमिटेड नहीं हैं अपनी एरियाज़ के अंदर अपनी टेरिटरीज के अंदर उन सब को मैनेज करने के लिए सोसाइटी और गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने हैं यानी टेरिस्ट को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और फिर ये भी देखना है कि उनको मोबिलाइज़ कौन कर रहा है फॉर सच टाइप ऑफ एंटी सोसाइटी एंड एंटी स्टेट एक्टिविटी